गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और हम लोग आज सुबह कैसे उठे मालूम है? ये गाना सुनकर देखा है पहली बार सजन की आंखों में पहली बार। बाय द वे अभी जस्ट हमारा नींद खुला और रूम का साफ सफाई भी करवाना था, वो भी हम लोग अभी करवा रहे हैं। सुबह सुबह ही हमारा देख रहे हैं चाय भी आ चुका है, एडिटिंग भी चल रहा है मेरा यहाँ पे थैंक्स टू ये गाना जो हमें सुबह उठा दिया, तो मेरा सुबह से एडिटिंग भी स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी अपना एडिटिंग करते हैं, चाय पीते हैं और रात में एक जगह दिखा दो पापा, ये कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें छेना पोड़ो दिया था भाई, मतलब एक नंबर मीठा उठा एकदम कम। मिल्क एंड स्वीट मिल नहीं, ये पवित्रा मिल्क एंड स्वीट। तो ये जगह का ये छेना पोड़ो है शायद भाई मस्त है, कभी ट्राई करना आप लोग इधर का छेना पोड़ो, एक नंबर छेना पोड़ो। तो कल रात में ही हम लोग खा रहे थे, अभी ये चाय पीते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर देखते हैं आज का क्या हो सकता है। तो एडिटिंग करते करते अपने ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अभी फिलहाल जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि रूफटॉप में इनका रेस्टोरेंट है जो कि मैं ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे इतने दिन से स्टे किए हैं, इससे पहले भी आके यहीं पे स्टे किए थे, लेकिन अभी तक इनका रेस्टोरेंट नहीं देखे। सही है, ऊपर वॉशरूम भी है, तो देख लो ऊपर से कुछ ये नजारा है, टेम्पल दिख रहा है, देखो ये देख लो यहाँ से टेम्पल भी दिख रहा है, बीच इस साइड है ना, बीच है ये साइड, हाँ वो अभी धुंधला हो गया इसलिए दिख नहीं रहा। वैसे तो यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन अभी गेस्ट कम है इसलिए बुफे वगैरह ऐसा कुछ करवाया नहीं जा रहा है। एक्चुअली प्लान था रूफटॉप में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का, लेकिन बारिश होने लगा। आज तो वैसे पूरी में भाई मतलब सारा दिन अच्छा खासा बारिश हुआ, शाम को जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ ना तब मैं निकल गया दर्शन करने के लिए, और अभी जस्ट मैं दर्शन करके निकला हूँ। और इस बार मैं लोकल्स के साथ था इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, काफी अच्छे तरीके से हमारा दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। और देख लो यहाँ पे मैंने ये महाप्रसाद भी ले लिया है, जिसको अवड़ा बोलते हैं शायद, अवड़ा अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो। और बस यहाँ पे अपना स्कूटी पार्क था, पीछे ही टेम्पल है देख लो। बाकी हमारा पूरी आने का मेन रीजन ही यही था कि यहाँ पे एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि दर्शन करना भी था, और दूसरा ये था कि महाप्रसाद भी खाना था जो कि ऑलरेडी मैंने ले लिया है। एक तो यहाँ भी बैठ के खा सकते हो मंदिर में, लेकिन हम लोगों ने पैक करवा लिया, अपने होटल रूम जाके ही खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या मैंने लिया है। और ये जो महाप्रसाद है ना वो मंदिर के अंदर ही मिलता है, बाहर मिलता है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो महाप्रसाद है मंदिर के अंदर ही मिलता है। तो यहाँ पे देख लो टेम्पल है जगन्नाथ, तो देख लो यहाँ मेरा स्कूटी पार्क है और ये टेम्पल है, और मैं गया था वेस्ट गेट से, और ये जो वेस्ट गेट है ना ये लोकल्स ज्यादा यूज करते हैं। बाकी जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना दर्शन करने के लिए, शायद मैं साउथ गेट से गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस बार मैं ये पश्चिम द्वार से गया था। तो ये जो महाप्रसाद है ये लेकर मैं अपने रूम में तो आ गया हूँ, और पापा इधर भी थककर सो गए, सारा दिन हम लोग रूम में ही थे, और ऐसा वेदर हो रखा है ना, ये नींद वाला वेदर ही है, मेरे को भी बहुत जोर नींद आ रहा है। लेकिन हाँ सबसे पहले मैं ये प्रसाद ट्राई करूंगा, तो एक काम करते हैं पहले इसको निकालते हैं, और मैंने सुना है इसे नीचे बैठकर ही खाना चाहिए, तो इसलिए देख लो मैंने ये वाला जगह को क्लीन करवा लिया ताकि मैं यहाँ पे नीचे बैठ के खा सकूं। मैं भी नीचे बैठकर खाने वाला हूं, और ये सब कुछ मैंने मंदिर के अंदर से ही लिया है, तो मैं दिखाता हूं क्या क्या मैंने लिया है। तो एक एक करके मैं सबको निकाल लेता हूं पहले, तो ये सब कुछ तो मैंने निकाल लिया है, एक काम करता हूँ अभी होटल वाले को बोला है मैंने प्लेट देने के लिए, तो वो प्लेट देते हैं, तो सभी को मैं निकाल कर दिखाता हूँ। एक्चुअली इसको खाते हैं वैसे अगर आप घर पे लेकर आके खा रहे हो या फिर अपने होटल में लेकर आके खा रहे हो ना, तो मंदिर के जस्ट बाहर ही आपको वो केले का पत्ता मिल जाएगा, वो ले लो उसमें लेकर खाओ, लेकिन मैं बहुत खोजा मुझे मिला नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि लेट भी हो गया था, मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा, इसलिए मुझे मिल नहीं पाया, तो मैं होटल ही आ गया इसको लेकर डायरेक्ट, और ऊपर से बारिश भी हो रहा था ना इसलिए खोज भी नहीं पाया अच्छे से। अभी मैं प्लेट का वेट कर रहा हूँ, प्लेट में रख के इसको अच्छे से खाऊंगा। और हाँ इसको जो खाने का तरीका है इसको नीचे बैठकर ही खाया जाता है। ये बात करते करते मेरा प्लेट भी आ गया, अगर कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है जो नहीं बैठ सकता नीचे, वो लोग या फिर डाइनिंग में या फिर कहीं चेयर पे बैठ सकते हैं, प्रसाद अगर आप खा रहे हो तो नीचे बैठकर ही खाओ। बाकी चलो प्लेट आ गया, प्लेट में अच्छे से मैं पहले सजा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये प्लेट में मैंने महाप्रसाद निकाल लिया है, ये प्रसाद को यहाँ के लोग अवड़ा भी बोलते हैं, आराम से नीचे बैठकर ये महाप्रसाद को खाते हैं। और देख लो पापा इधर भी सोकर उठ गए हैं, तुम जैसे ये सब खोल रहे थे ना, हाँ आ रहा था खुटखुट खुटखुट कान में आ रहा था, लेकिन इसका जो स्मेल था ना सुगंध यहाँ पे लेके चलाया पूरा एकदम, मतलब मैं बता रहा हूँ ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम लोग के तो लैंग्वेज में उसको सोनापन बोलते हैं, वो सोनापन वाला जो सुगंध होता है ना, वो मिट्टी का मिस्टी खुशबू, वो पूरा एकदम वो सोनापन है इसमें, मतलब क्या ही बताऊं इसका जो सुगंध है। जबकि ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है अभी, क्योंकि बारिश में काफी देर में बाहर फंसा रहा, उसके बाद में अभी रूम आया, ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी इतना अच्छा इसमें से सुगंध आ रहा है ना। ये वाला दिया था ना, ये वाला हम लोग को वहाँ पे टेस्ट करने, हाँ टेस्ट करने के लिए दिया था ये, या फिर ये याद नहीं आ रहा है, घी वाला चावल था। और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे बैठकर खाने में गर्मा गर्म जो लोग देते हैं ना वो सही रहता है, लेकिन हम लोग लेकर आ गए अपने रूम में, वैसा तो देखकर ही लग रहा है कितना टेस्टी होने वाला है। चलो भैया अपना प्रसाद खाते हैं, जय जगन्नाथ। मंदिर में हम लोग को यही वाला ट्राई करने के लिए मीठा चावल,
मीठा चावल मस्त था। ठंडा हो गया है अभी भी मस्त लग रहा है। मैंने कुछ ऐसा भी स्टोरी सुना है महाप्रसाद का, जो किचन में वो बनता है ना, वो किचन में एक लाइट तक भी नहीं है। और कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि जो मतलब सात या कितना कढ़ाई होता है टोटल, हांडी टाइप का होता है, छह या सात हांडी होता है, जो सबसे ऊपर वाला हांडी होता है ना वो सबसे पहले पकता है। तो ये ऐसा कुछ मैंने सुना है, जिसको ज्यादा डिटेल में थोड़ा पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो हमें भी। आज वो वहाँ पे भी गया था ना वो तुम्हारा वो जपात मतलब तुलसी आंगन, क्या बोलते हैं तुलसी आंगन, हाँ तुलसी आंगन। ये देखते हैं क्या है, ये सब सब्जी है। वैसे जब आप अपना दर्शन कंप्लीट कर लोगे ना, महाप्रसाद का एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे ये सब महाप्रसाद आपको मिल जाएगा। बहुत जगह आपको वहाँ पे दिख जाएगा महाप्रसाद मिल रहा है, आप अपने हिसाब से टेस्ट करके भी ले सकते हो या फिर वहाँ बैठकर भी खा सकते हो। काफी लोग पैक भी करवाते हैं, पैक भी करवा सकते हो। आना वैसे एक ही जगह बनता है, काफी अलग अलग लेकर बैठे रहते हैं, तो देख सकते हो। जो मालपुआ है मस्त लग रहा है, घी का स्मेल आ रहा है ना, जो मुझे एक नंबर लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरे घर में खिचड़ी बनेगा ना, मैं कभी नहीं खाता हूँ खिचड़ी। हम लोग वहाँ जो जानते हो ना, जो भोग पे कभी खिचड़ी बनता है, बालक भोजन, बालक भोजन जिसको बोलते हैं, वो भोग का जो खिचड़ी मेरे को इतना पसंद है ना, मतलब मम्मी बोलती है तुम घर में जब बनाते है कभी नहीं खाता है, लेकिन भोग का खिचड़ी तुम ठीक खा लेते हैं। तो ये एक चीज है मेरे को, ये भोग का खाना हो गया, ये जैसे ये सब जो है भोग का ही खाना बोला जा सकता है एक तरह से। मेरे को ये सब खाना इतना टेस्टी लगता है ना, मेरे को लगता है अगर ये सब खाना हमको रोज मिले मैं रोज खा लूँ। हाँ वही अगर आप ऐसे नॉर्मल मेरे को चावल दाल बना के दे दो, लेकिन यार आज कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये चीज देखो मेरे को, ये चीज भी मैं कितने प्यार से खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है इस टाइप का खाना। ये तो एकदम मीठा चावल है, ये नॉर्मल चावल, और ये क्या है, ये थोड़ा बहुत नमकीन टाइप का चावल है। ये इतना ठंडा हो गया, मैं इसको खा रहा हूँ फिर भी ये इतना अच्छा लग रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ गर्मा गर्म खाता तो कितना अच्छा लगता। ये क्या है, ये भी दाल, मीठा लाल। और भाई देखो, ये जो मैंने महाप्रसाद लिया था ना, ये सब कुछ ये मैंने समथिंग कुछ 200-250 रुपए में मैंने लिया था। हाँ मैंने 250 रुपए में ये सब कुछ लिया था। ये जो कटोरी है ना, इसके साइज के ऊपर है, काफी लोग बड़ा टाइप का ले रहे थे, काफी छोटा ले रहे थे, जो जितना लोग के लिए ले रहे थे, मेरे को बस दो जन के लिए लेना था इसलिए मैंने ये वाला लिया। हाँ 250 रुपए में ये सब कुछ हो गया मेरा। बाकी मालपुआ मेरे को बहुत मस्त लग रहा है, तो बस अपना प्रसाद अच्छे से एंजॉय करते हैं। रात भी ज्यादा हो गया है, सोने भी जाना है मुझे, और कल मैं पूरी में आपको एक फ्लैट का टूर भी देने वाला हूँ। क्या फ्लैट, कैसा फ्लैट, वो आपको कल वाले वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी अपना ये प्रसाद एंजॉय करते हैं। जय जगन्नाथ। वो प्रसाद खाने के बाद मेरा जो एडिटिंग बचा हुआ था वो मैंने कम्प्लीट किया, उसके बाद मैं सोने चला गया, और अभी थोड़ा देर पहले ही मैं सोकर उठा हूँ। और वैसे आज बीच पे भी गया था मैं, लेकिन फोन लेकर नहीं गया था, ऐसे ही वॉक करने के लिए गया था। और जस्ट मैं अभी अपने होटल रूम में आया तो मुझे याद आया कि चलो वीडियो को भी एंड करना है मुझे। वैसे तो जितना कुछ मुझे महाप्रसाद के बारे में पता था वो मैंने बताया आपको, टेम्पल के बारे में जो भी मुझे आइडिया था, और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा बात है जो मुझे यहाँ के लोकल से पता चला है, जैसे कि मंदिर का जो परछाई होता है ना, पता नहीं आपके लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, शैडो, वो शैडो कहीं भी होता नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप रात में, एकदम रात में अगर आप जाते हो मंदिर के पास, वैसा तो अलाउ होता नहीं है शायद रात में एंटर करने देंगे नहीं, एकदम ही रात को अगर आप जाओगे तो शायद 11 या 10 बजे तक मंदिर भी बंद हो जाता है। जो समंदर का पानी का जो आवाज है ना, वो एकदम मंदिर के पास तक आता है, और जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे ना तो वो आवाज आएगा नहीं। और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा बात है, जैसे कि फ्लैग का बात आपने सुना ही होगा, जिस साइड का हवा होता है एकदम उसके उल्टे डायरेक्शन में वो जो फ्लैग है वो लहराता है। तो और भी बहुत कुछ है, अगर आपको भी ऐसे कुछ मंदिर के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे इस टाइप का चीज सब जानने में और देखने में काफी अच्छा लगता है। और वैसे मैंने ब्लॉग में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन जो मैंने इस बार जो दर्शन किया ना, पहली बार जो मैं गया था ना बस दर्शन करके आ गया था, लेकिन इस बार जो मैं गया ना मतलब अच्छा खासा टाइम लगा मुझे अंदर में, एक एक चीज में अच्छे से देख रहा था, घूम रहा था। तो हाँ इस बार मैं बोल सकता हूँ इस बार का जो दर्शन है वो काफी अच्छा हुआ है। और अभी सब कुछ अभी पैक करके जल्दी से निकलना है, जाना है अपने नए सोसाइटी में, तो वो आप लोग कल वाले व्लॉग में देखना क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।